New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. देखिए उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो जो पार्टी को लेकर कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। उन्होंने बंगाल का तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। आई डिडंट हियर एनीथिंग अबाउट द की इश्यूज फेसिंग द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। देयर वाज नो मेंशन ऑफ मनरेगा, देयर वाज नो मेंशन और इनसफिशिएंट मेंशन ऑफ एनी स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द इनकम ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन। We have seen far too little from the government when it comes to taking care of the severe income disparities in this country. Job creation, there was a token gesture made towards that, but unfortunately very short on specifics. And I personally welcome only one provision, which is this abolition of the tax on angel investors. I myself had recommended it to Shri Arun Jaitley more than 5 years ago. Finally it has happened. I am glad that's being done. We must have more investment coming in to generate more jobs. But otherwise I find very little in terms of any good creative ideas when it comes to generating more jobs in our economy and more opportunities for young people and for those at the bottom of the pyramid to improve their incomes. We will have to study the budget in much more detail, but I would say it's an underwhelming budget. लगातार हत्या हो रहा, मर्डर हो रहा, चोरी डकैती सब हो रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों का खाद बीज सस्ता करना चाहिए, महंगाई पर रोक लगाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सब महंगा है, किसान क्या करेगा? बिजली, किसानों का बिजली भी नहीं मिलता है। गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। आपने दवाई के बारे में क्या बोला सर? कैंसर की और कुछ दवाइयां जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है। उसकी हम सबों की मांग थी,
बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। मैंने बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया, बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल उछल के बातें होंगी। राहुल जी कैसे बजट को देखते हैं? सर अप्रेंटिसशिप की बात आप कर रहे हैं, सरकार ने मानी है। राहुल जी राहुल सर अप्रेंटिसशिप की बात, तो ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है, दूसरा ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है, तीसरा जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे MSP गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ MSP को मजबूती मिलेगी, और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया रेल डिपार्टमेंट तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, उन्होंने कर सकते थे। ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, ये एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा। और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है। और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं।